हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल कुमार और इस वीडियो में हम जानेंगे जनरल स्ट्रक्चर एंड अफिनिटीज ऑफ, जानेंगे हम ब्लेनोग्लोसस के बारे में। तो ब्लेनोग्लोसस जानते होंगे, तो इसमें भी तीन चार तरह के मेन इम्पोर्टेंट है। तो ब्लेनोग्लोसस का जब आए तो उसका डायग्राम तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता बनाने, तो इस तरीके से इसका ये प्रोबोसिस पार्ट कहलाता है और ये वाला पार्ट इसका कॉलर कहलाता है। देख सकते कैसे हम बस एक मिनट से भी कम देर में इसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप बना दीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने ये और यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो यही पार्ट यही हो गया ब्लेनोग्लोसस और इस तरीके से, तो देख सकते हैं। अब इसी को अब एक्सप्लेन करेंगे हम लोग जनरल स्ट्रक्चर में, बस इसी को बताना है। और ये आप नाम लिख सकते हैं, जैसे इस नाम को हम कहते हैं प्रोबोसिस और ये वाला नाम को हम कहते हैं कॉलर और ये वाला जो देख रहे हैं रीजन, इस तरीके के रीजन को हम ब्रांकियल रीजन कहते हैं। तो बस यही सब है। फिर इस तरीके के जो देख रहे हैं यहाँ पर सेंट्रल विंग कह लेते हैं इसको, सेंट्रल, इस सब का वर्क जानेंगे सेंट्रल विंग। और इस साइड देखेंगे तो मीट कितना जल्दी बना लिया, ऐसे ही बना सकते हैं। मीट डॉर्सल रिज कहलाता है और इस तरीके के आप जो देख रहे हैं ऐसे एकदम छोटे छोटे होते हैं, जैसा कि बहुत स्ट्रक्चर देखेंगे ऐसा। तो ये कहलाता है हिपैटिक सिका, ये कहलाता है। और ये वाला जो ये सब रीजन जो देख रहे हैं इस रीजन को हिपैटिक रीजन कहते हैं। तो डायग्राम आसानी से बना सकते, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अब इसके बारे में ये कैसे आप 5-6 पेज में लिखेंगे, तो उसका भी ये सिंपल है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन आपको देते देते लगभग आधा पेज हो जाएगा। देख सकते कितना पेज में हम वहाँ लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद क्लासिफिकेशन और उसके बाद हैबिट एंड हैबिटेट, यही सब आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल मिलाकर एक पेज आपका हो जाएगा। ये तीनों टॉपिक एक पेज में आप लिखेंगे। उसके बाद डायग्राम फिर आधा पेज में लिखना पड़ेगा, तो 1.5 पेज हो गया डायग्राम आपको बनाना होगा। अब तब उसके बाद फिर आधा पेज में ये हो गया। अब फिर टॉपिक देना होगा इसका। सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ब्लेनोग्लोसस, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ब्लेनोग्लोसस, आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दे देंगे। तो एक्सटर्नल में कौन कौन खास कर दिखाई दे रहा है, तो ये प्रोबोसिस है, कॉलर है और एक और रीजन कहलाता है इसका ट्रंक रीजन कहलाता है। तो ये सब ट्रंक वाला रीजन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रीजन को हम ट्रंक रीजन कहते हैं। तो ये तीनों को आप आराम से बता सकते हैं। तो तीनों को यहाँ पर आपको लिखना है, प्रोबोसिस के बारे में आपको लिख देना है, प्रोबोसिस के बाद यहाँ पर कॉलर के बारे में लिखिएगा और फिर उसके बाद ट्रंक के बारे में लिखिएगा। देख सकते कैसे टॉपिक बना रहे हैं हम और कैसे एग्जाम में लिखा जाता है वो सब। फिर अदर तरह के यहाँ पर रूल देखेंगे, इसमें ब्रांकियल पार्ट, हिपैटिक रीजन और एब्डोमिनल पार्ट होते हैं, वो भी एक्सटर्नल में ही आता है। तो कौन कौन बोले थे यहाँ पर, ब्रांकियल पार्ट, उसके बाद हिपैटिक पार्ट आता है, हिपैटिक, उसके बाद और अदर तरह के पार्ट आता है एब्डोमिनल। तो देख लिए, इसी में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आपको ये 6 के बारे में बताना है। हम जैसा कि इस ये वाला पिक्चर में देख रहे हैं 6 को पार्ट, यहाँ पर हिपैटिक रीजन देख ही लिए और एब्डोमिनल रीजन इसी के आसपास होता है, ये सब हिपैटिक रीजन है। आप देख सकते हैं यहाँ इतना टॉपिक आपका तैयार हो गया। और फिर ये तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में ही था, अब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में लिखेंगे और तब उसके बाद अफिनिटीज लिखना होगा। इंटरनल स्ट्रक्चर, तो इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गया और इसमें हम ये जानेंगे कौन कौन टॉपिक लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पर हम लिखते हैं। इंटरनल में आपको ये टॉपिक बना ले सकते हैं, कितना टॉपिक इंटरनल स्ट्रक्चर देकर आप कितना टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हम लिखते हैं, सबसे पहले आप लिख देंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद समझ ही गए होंगे क्या लिखना है, रिस्पायरेटरी सिस्टम आपको लिखना है। रिस्पायरेटरी सिस्टम के बाद उसका स्केलेटन सिस्टम के बारे में लिखना है। देख सकते कैसे हम टॉपिक बना रहे हैं अभी, तो ये सिर्फ इतना सारा टॉपिक है तो इसको एक्सप्लेन कर ही लेंगे और
स्केलेटन सिस्टम के बाद रिस्पायरेशन, स्केलेटन रिस्पायरेशन के बाद आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर उसके बाद अदर तरह के आता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। एक्सक्रीटरी के बाद यहाँ पर अदर तरह के ये कैरेक्टर होता है जैसा कि वो हम देख ही लेते हैं। ये एक्सक्रीशन हो गया, नर्वस सिस्टम है, फिर रिप्रोडक्शन है, तो नर्वस सिस्टम फिर रिप्रोडक्शन हो गया, ये सब टॉपिक है। रिप्रोडक्शन के बाद आपको लिखना होगा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बाद थोड़ा समरी लिख देंगे, समरी के बाद आता है एफिनिटीज, तब आपको मतलब लिखना है एफिनिटीज के बारे में। तो एफिनिटीज में इसका या किसके किसके जैसा दिखता है, तो तीन चार ऐसा दिखता है। पोगोनोफोरा एक अलग तरह के फाइलम है, उसके बाद ये मैच करता है, इसको हम देख ही लेते हैं, देख ही सकते हैं। पोगोनोफोरा हो गया, इकाइनोडर्माटा हो गया, कॉर्डेटा हो गया, उसके बाद इस साइड है एनिलीडा, तो पोगोनोफोरा हो गया, एनिलीडा से क्या इसमें मैच करता है, फिर हम देखे हैं इकाइनोडर्माटा से क्या मैच करता है, और फिर देखे हैं यहाँ पर इकाइनोडर्माटा, एनिलीडा, पोगोनोफोरा और कॉर्डाटा। तो इस तरीके से चार तरह के एफिनिटीज लिख सकते हैं। तो ये सब टॉपिक है, इसी टॉपिक से मैंने कितना लिखा हुआ है वो देख ही सकते हैं। जैसे यहाँ से लेकर ये 44 पेज, फिर इस तरीके से 45 पेज, 46 लगा, ये 47, और फिर उसके बाद ये 48, 49, 50, टोटल यानी कि 1, 2, 4, 6, 7। तो 7 पेज लिखे, 7 पेज लिखना बहुत आसान है, आप 30 से 35 मिनट में लिख ही लीजिएगा, अगर बस खासिर पता हो ये सब। तो अब चलिए आप शुरू करते, बहुत ही आसान है। हेमिकोडाटा जनरल इंट्रोडक्शन पहले देना है, तो जैसा कि हमने यहाँ पर बताया था जनरल इंट्रोडक्शन हम देंगे। तो हेमिकोडाटा इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच वॉज कंसिडर्ड एज प्रिमिटिव कोडाटा। देख सकती है कोडाटा कॉर्ड की तरह ये दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको प्रिमिटिव कोडाटा कहते हैं। हम लोग कोडाटा अभी नया है, लेकिन ये प्रिमिटिव कोडाटा कहलाता था फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक के लिए लॉन्ग ये प्रिमिटिव कोडाटा में आता था। इट वॉज इंक्लूड एक्रेनिया, मतलब इसमें एक्रेनिया पर क्रेनिया प्रेजेंट होता, अ ग्रुप ऑफ कॉर्डेट्स विदाउट क्रेनियम, इसमें क्रेनियम नहीं है इसलिए इसको अक्रेनिया कहते हैं। और हाउ एवर इट वॉज फाउंड दैट द हेमिकॉर्डेटा हैव क्लोजर एफिनिटी टू नॉन कॉर्डेट, ये बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे भी होते जो नॉन कॉर्डेट से मैच करता है, बट मैनी ऑफ द फीचर ऑन विच दे वर कंसिडर्ड कॉर्डेटा आर डाउटफुल, इसको कॉर्डाटा में शामिल करना डाउटफुल था, तो फिर प्रेजेंट वर्कर्स कंसीडर हेमिकॉर्डाटा इज फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डाटा। तो फाइनली रिसर्च में ने ये बताया कि ये जो देख रहे हैं हम, ये ब्लाइनोग्लोसस हो या साइकोग्लोसस हो, ये सब नॉन कॉर्डाटा में शामिल है। तो ये आराम से इंट्रोडक्शन ऐसा ही बात दे सकते हैं, ये नॉन कॉर्डाटा है, हम लोग को पता होना चाहिए। अब क्लासिफिकेशन आपको लिखना है, तो क्लासिफिकेशन में फाइलम, सब फाइलम, क्लास, फैमिली, जीनस लिख देंगे तो ये हो जाएगा। तो फाइलम हो गया, कॉर्डाटा हो गया, सब फाइलम हेमिकॉर्डाटा हो गया, क्लास इसका इंटेरोपिन्यूस्टा हो गया, फैमिली टाइकोडिरिडी हो गया, फिर जीनस हो गया ब्लैनोग्लोसस। तो इस तरीके से आपको क्लासिफिकेशन लिखना होता है, तो बस इसको एक दो मिनट के लिए आपको तो याद करना पड़ेगा ही। तो ये फाइलम कॉर्डाटा, सब फाइलम हेमिकॉर्डाटा, क्लास हो गया इंटेरोपिन्यूस्टा, और फैमिली हो गया टाइकोडिरिडी, और जीनस हो गया ब्लैनोग्लोसस। तो केवल थोड़ा उच्चारण करने में यही दोनों तो मेन है, तो बस ये दोनों याद कर ही लेंगे। अब यहाँ पर हम बात करें तो हैबिटेट के बारे में, तो इसका हैबिटेट चाहे तो इसमें डायग्राम आप बना भी सकते हैं कैसे रहता है। ये इस तरीके से होता है, जहाँ पर नॉर्मली इस तरीके से तो हम समझते हैं कि पानी रहता है बहुत, तो इस तरीके से अगर वाटर है, तो अगर गिट्टी उट्टी इस तरीके से अगर है, ये सब मान लेते हैं कि छछला वाटर समझते होंगे, तो ये अपना बॉडी ऐसे है, तो यह इसी को इधर उधर मुड़ के रहता है, देख सकते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये प्रोबोसिस पार्ट है, ये कॉलर वाला पार्ट देख रहे हैं, ये जो गिट्टी सब देख रहे हैं या इसको और पत्थर कह सकते हैं, तो ये इसके साइड साइड से इस तरीके से यह रहता है वाटर में,
देख सकते हैं। तो कैसा शेप बना कर रहता है, यू शेप बना कर रहता है, इस तरीके से वाटर है तो क्या ऐसा में रहना पसंद करता है। तो अब इसी को हैबिट हैबिटेट के बारे में तो आप लिख ही सकते हैं इतना देखने के बाद कि बलैनोग्लोसस कॉमनली कॉल्ड एकॉर्न वॉर्म कहते हैं। एकॉर्न वॉर्म का मतलब ही होता है कि, तो यहाँ पर देख सकते हैं एकॉर्न का मतलब, एकॉर्न एक तरीके का फल है और ये देख सकते हैं एकॉर्न वर्म इसी को हम कहते हैं। तो इस तरीके से ये पता होना चाहिए कि एकॉर्न वर्म किसको कहते हैं। अब फिर नेक्स्ट हम देखते हैं तो यहाँ पर है मेराइन एनिमल्स, तो ये है, ये सब जानते ही हैं मेराइन। और इसके साथ मेराइन एनिमल विच आर फाउंड इन बरो इन सैंड, यानी कि सैंड के अंदर धंसे होते हैं, जैसा हम देखे हैं तो ये धंसे होते हैं। फिर द बरो इज यू शेप्ड होते हैं, यू शेप जैसा कि बता दिया मैंने, विथ एंटीरियर फनल शेप्ड ओपनिंग एंड पोस्टेरियर राउंडेड ओपनिंग। तो मतलब यहाँ पर पोस्ट शेप्ड मतलब एंटीरियर फनल शेप्ड, फनल शेप्ड जैसा होता है एंड पोस्टेरियर राउंडेड ओपनिंग होता है, पीछे राउंड की तरह ओपन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हैबिटेट ऐसे रहता है यह, तो वही है। बलैनोग्लोसस लाइव्स ऑन प्रोटोजोआंस डायटम्स और अदर ऑर्गेनिज्म, तो ये कौन कौन चीज़ पर रहते हैं, डायटम पर भी ये रह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अलग तरीका के प्रोटोजोआन हो गया और ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उसी में ये रहता है। तो ये सब आसानी है, आसान है, तो ये लिख सकते हैं। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जैसा मैंने बताया है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में एक दो तीन मतलब प्रोबोसिस कॉलर और ये वाला पार्ट ट्रंक कहलाता है, तीन ये हो गया, ब्रांकियल रीजन हो गया और फिर उसके बाद हिपैटिक रीजन हो गया, एब्डोमिनल रीजन हो गया। तो छः स्ट्रक्चर के बारे में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना है। तो छः स्ट्रक्चर में सबसे पहला यहाँ पर प्रोबोसिस है यहाँ पर, तो अब इसी के बारे में हम जानेंगे। तो बलैनोग्लोसस इज एन इलोंगेटेड एंड वॉर्म लाइक एनिमल, वॉर्म के जैसा दिखाई देता है, कीड़ा के जैसा। इट हैज़ अ लेंथ ऑफ 250 मिलीमीटर टू मतलब 250 मिलीमीटर टू 2500 मिलीमीटर तक इसका लेंथ हो सकता है। द बॉडी इज सॉफ्ट एंड फ्रेगाइल, इट कैन बी डिवाइड्स एज फॉलोइंग, तो ये इसका बॉडी इस तरीके से डिवाइड्स होते हैं, बॉडी तीन पार्ट में होता है, जैसे यहाँ पर सबसे पहला हो गया प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक हो गया, तो यही है। तो सबसे पहले प्रोबोसिस के बारे में हम जानेंगे, तो ये सब तो आसान है, लिख ही सकते हैं। प्रोबोसिस यहाँ पर है तो इट इज एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज पॉइंटेड एंड टंग लाइक, इट इज अटैच्ड टू कॉलर बाय अ प्रोबोसिस स्टॉक, तो ये जो स्टॉक देख रहे हैं मतलब यहीं पर कहीं स्टॉक होगा तो प्रोबोसिस स्टॉक कहते हैं। तो इसके बारे में लिख सकते हैं, यहाँ पर यही बोल लिखा हुआ है कि यह एंटीरियर मोस्ट पार्ट है बलैनोग्लोसस का जो कि कॉलर से अटैच रहता है और यह पॉइंटेड ऊपर से होता है। तो बस तीन चार पॉइंट लिखा हुआ, तो लिख सकते हैं, मुश्किल नहीं है। कॉलर के बारे में बात करें तो कॉलर देख सकते हैं कहाँ पर है, तो इसके बारे में ये भी लिख सकते हैं कि यह ट्रंक के ऊपर पाया जाता है, ट्रंक और प्रोबोसिस के बीच में पाया जाता है, कॉलर एक इस तरीके का शेप होता है। तो ऐसे ही लिख सकते हैं, देख सकते हैं अब कॉलर के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कॉलर के बारे में कि इट इज़ अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर बिहाइंड द प्रोबोसिस, सॉरी हाँ कॉलर के बारे में, इट इज़ अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर बिहाइंड द प्रोबोसिस स्टॉक, इट ऑल्सो कवर्स द माउथ इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल सरफेस एट द जंक्शन ऑफ प्रोबोसिस एंड कॉलर, इट रिमेंस ऑलवेज ओपन, ये हमेशा ओपन रहता है, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया जा रहा है, ये ओपन है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें यह इसी से सटे रहते। तो वही सब देखे हैं कि यह प्रोबोसिस के बिहाइंड होते हैं और जंक्शन ऑफ प्रोबोसिस कॉलर, इट रिमेंस ऑलवेज ओपन, यह हमेशा नेक ओपन होता है। तो ये सब लिख सकते हैं और फिर उसके बाद, अब उसके बाद यहाँ पर है ट्रंक के बारे में, तो ट्रंक ये पूरा रीजन है। तो इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, देखने से पता चला लॉन्गेस्ट है, विच इज़ समवाट फ्लैट, कुछ फ्लैट भी दिखाई देता है। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, इसका तीन पार्ट होते हैं, जैसा कि ये ट्रंक वाला पार्ट, इसी में तीन पार्ट होते हैं, ब्रैंकियल पार्ट्स, उसके बाद हिपैटिक पार्ट और एब्डोमिनल पार्ट। तो अब ये तीनों को बताना है, तो बताए हैं कि बहुत आसान होता है, जैसा कि ब्रांकियल पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं, तो ब्रांकियल पार्ट ये वाला रीजन को कहते हैं, देख सकते हैं यहाँ से लेकर ये सब रीजन ब्रांकियल पार्ट कहलाता है। अब इसी के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्रंक, या एंटीरियर जो मोस्ट पार्ट है, ये तो एंटीरियर ही है, ट्रंक का सबसे एंटीरियर पार्ट ये हो गया और
ये सबसे पोस्टीरियर पार्ट है। तो ट्रंक का सबसे इंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी कंटेन्स अबाउट 35 गिल्स स्लिट्स, उसमें लगभग 35 गिल स्लिट पाए जाते हैं। गिल स्लिट का मतलब इसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो गिल स्लिट यहाँ से समझ में आएगा, ये जो बॉडी पार्ट है और हम इसको इस तरीके से बनाए हुए देख सकते हैं, सिंपल है और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का देख रहे हैं डायग्राम। इसी को हम ऐसे करते हैं और तब देखते हैं इस तरीके के कर लिए और गिल स्लिट बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये ब्रांकियल लीजन, यही ब्रांकियल लीजन है, देख सकते हैं जो यहाँ पर मैंने लिखा था ये ब्रांकियल लीजन, तो यही ब्रांकियल लीजन है। और इसी जगह पर देख सकते हैं का इसी में ये पैराब्रांकियल रिज ऑफ लैटरल फोल्ड, मतलब इसी में गिल स्लिट पाया जाता है इस तरीके के, लगभग 35 गिल स्लिट। तो जैसा कि इधर के डायग्राम में देख भी सकते हैं, तो इसमें देख सकते हैं गिल स्लिट कैसे है। तो ये गिल स्लिट वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक गिल स्लिट, फिर दो गिल स्लिट, तीन गिल स्लिट और यहाँ से चार, तो यही गिल स्लिट है। तो यहाँ पर जो बनाए हुए हैं तो बस उसको ये पार्ट बनाए हुए देख सकते, यही पार्ट को इसमें इस तरीके से हम बनाए हुए हैं। तो गिल स्लिट देख लिए, तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि इसमें गिल स्लिट विच आर कनेक्टेड टू फेरिंग्स, जो कि फेरिंग्स से कनेक्टेड होता है, तो फेरिंग्स उसी के आसपास में होता है, तो वो तो है। द लेटरल साइड्स ऑफ दिस पार्ट कंटेन जेनाइटल ऑर्गेन, इसके लेटरल साइड में जेनाइटल ऑर्गेन होती है, ये सब लिख सकते हैं, ये डायग्राम बनाना नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही बताया, लेटरल साइड मतलब समझ ही गए। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं लेटरल साइड कहीं पर होगा दिया हुआ, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं लेटरल साइड मतलब यहाँ लेटरल वेसल्स और यहाँ पर भी कहीं पर लेटरल फरिंजियल, तो इस साइड और इस साइड के आसपास में ये पाया जाता है इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन मतलब जेनाइटल ऑर्गेन। तो हमने ब्रांकियल पार्ट को देख लिया, तो ये सब टॉपिक ही तो आपको ध्यान रखना है, बाद बाकी तो ऐसे ही लिख लीजिएगा। और फिर उसके बाद ये ब्रांकियल के बाद हिपैटिक पार्ट आया, तो ऐसे ही कुछ लिख सकते हैं कि ब्रांकियल पार्ट इसके नीचे होता है, मतलब ये हिपैटिक जो रीजन है ब्रांकियल पार्ट के नीचे होता है, एब्डोमिनल पार्ट के ऊपर होता है, और तब ये कितना भाग में, यही सब कुछ कुछ लिख सकते हैं तीन चार लाइन में। तो इट इज़ द मिडिल पार्ट ऑफ द ट्रंक ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ इट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल हिपैटिक डाइवर्टिकुलम, हिपैटिक डाइवर्टिकुलम भी पाया जाता है इसी में। तो जैसा कि कहीं पर यहाँ पर देख सकते हैं ये हिपैटिक सर्कुलेशन है, तो इसी तरीका से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, तो उसी को हम कहते हैं हिपैटिक डाइवर्टिकुलम। तो एक दो बात लिख सकते हैं ऐसे ही बनाकर। अब एब्डोमिनल और पोस्ट हिपैटिक रीजन की बात करें, तो एब्डोमिनल में ये सबसे लास्ट पार्ट होता है, तो वही लिखा हुआ है, इट इज़ लास्ट पार्ट ऑफ द ट्रंक एट द एंड ऑफ विच द एनस इज लोकेटेड, जहाँ पर एनस लोकेटेड होता है। ब्लैनोग्लोसस इज फाउंड इन डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर में ब्लैनोग्लोसस हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम दिखाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं ये कैसे इतना अलग अलग तरह के कलर है, तो वही ये अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं, तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ था। फिर है कि ब्लैनोग्लोसस फाउंड डिफरेंट कलर, द प्रोबोसिस इज, इसका अधिकतर येलो दिखाई देता है, प्रोबोसिस पार्ट देखेंगे अगर इसमें भी आपको अगर दिखाई देगा तो वो आपको येलो दिखाई ही देता है, प्रोबोसिस इसका जो पार्ट होता है, जैसा कि देख रहे हैं येलो पार्ट यहाँ पर है, येलो येलो अधिकतर येलो दिखाई देता है, तो वो लिख सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये छोटा छोटा बातें हैं। फिर है कॉलर ऑर्गेन रेड कलर का दिखाई देता है, ऑरेंज रेड कलर का, ब्रांकियल रीजन ऑरेंज येलो कलर का दिखाई देता है, ये ब्लैनोग्लोसस का। तो यहीं पर अलग अलग तरीके के कलर का ये कॉम्बिनेशन के बारे में बताया हुआ, तो देख सकते हैं, तो बस वो ध्यान है। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आपको इतना लिखना है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक टॉपिक समाप्त कर दिया, देख सकते हैं इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन हैबिटेट डायग्राम भी बना लिए, फिर प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक, फिर ब्रांकियल रीजन ट्रंक रीजन एब्डोमिनल रीजन। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में आते हैं, तो सब के बारे में तीन चार लाइन लिख देंगे, तो इंटरनल स्ट्रक्चर भी आपका लगभग दो पेज में लिख लीजिएगा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहला यहाँ पर है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में क्या है, तो वो लिख सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल इसका स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरा होता है। तो यहाँ पर हम कहीं देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम अगर होगा तो यहाँ पर है एलिमेंट्री कैनाल, देख सकते हैं इसमें पूरा पार्ट होता है, माउथ से लेकर इसका एनस तक पार्ट मतलब प्रजेंट होते, तो इसी के बारे में यहाँ पर कुछ पार्ट लिखा हुआ है।
डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि द एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट, एलिमेंट्री कैनाल इसका एकदम स्ट्रेट होता है और विद माउथ, माउथ भी प्रेजेंट होता है जैसा कि देख सकते हैं ये माउथ वाला पार्ट होता है और फिर बक्कल कैविटी भी इसमें प्रेजेंट होता है, ये सब बक्कल कैविटी का पार्ट है और फेरिंग्स भी प्रेजेंट होता है जैसा कि हमने देख लिया फेरिंग्स। उसके बाद ये बक्कल डाइवर्टिकुलम मतलब इंटेस्टाइन एज डिफरेंट स्ट्रक्चर का होता है बक्कल डाइवर्टिकुलम, जैसा कि हम लोगों में होता है तो हम अपने बारे में लिख देंगे तो हो जाएगा। जैसा कि हम कैसे लिख सकते हैं अपने बारे में कि द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द, और बस अपना के बदला हम लगा लेंगे बलैनोग्लोसस का, द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द बलैनोग्लोसस इज स्ट्रेट विथ माउथ टू एनस, मतलब माउथ टू एनस स्ट्रक्चर उसमें होता है, माउथ से लेकर एनस तक होता है जिसमें फेरिंग्स होता है, इंटेस्टाइन के बहुत सारा पार्ट होता है और इसमें बक्कल डाइवर्टिकुलम भी प्रेजेंट होता है एट द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के जो सरफेस है यहीं पर बक्कल डाइवर्टिकुलम पाया जाता है। देख सकते हैं बक्कल डाइवर्टिकुलम कैसा स्ट्रक्चर है, तो इसी के रूफ पर पाया जा रहा है। तो लिख सकते हैं बक्कल कैविटी विच कंसिडर्ड एज नोटोकॉर्ड, और यही बक्कल कैविटी को हम नोटोकॉर्ड समझते हैं। तो बस लिख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में चार पांच लाइन अब आसानी से लिख सकते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में भी कुछ तो आसानी से लिख ही सकते हैं। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में यहाँ पर है कि इट इज़ एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, या डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड होता है और द डाइजेस्टिव सिस्टम यू शेप्ड गिल स्लिट, तो यू शेप्ड गिल स्लिट जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं गिल स्लिट कैसा है, यहाँ से लेकर जो यहाँ कलर कर रहे हैं सब गिल स्लिट का स्ट्रक्चर है, तो गिल स्लिट इस तरीके का होता है यू शेप्ड और आर फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स के अपर पार्ट में पाया जाता है जैसा कि यहाँ पर आप फेरिंग्स का डायग्राम देख रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पर ये देख रहे हैं यहाँ पर जैसे डाइजेस्टिव पोर्शन ऑफ फेरिंग्स का ये पोर्शन देख रहे हैं, ये सब फेरिंग्स वाला पार्ट ही है। तो इसी के बारे में द गिल स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय गिल्स रॉड, तो गिल्स रॉड के द्वारा यह सेपरेटेड होता है, तो ये सब लिख सकते हैं यहाँ पर ब्रांकियल पोर है, ये जो पोर देख रहे हैं ये ब्रांकियल पोर, और इसी के द्वारा ये अंदर हवा लेता होगा फिर ब्रांकियल सैक्स ये कहलाता है। और यहाँ पर रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में तो हमने इतना ही लिख दिया, लेकिन बात करें तो रिस्पायरेटरी सिस्टम कितना है देख सकते हैं, मैंने केवल चार पांच लाइन में लिखा, अगर आपको अपना से पढ़ना होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम अच्छा से तो देख सकते कितना यहाँ पर लिखे हुए, एक पेज में तो ये देख लिए और फिर उसके बाद यहाँ पर भी देख रहे कितना लिखना, तो इसमें से आपको केवल चार पांच लाइन लिखना है तो कोई भी बड़ा बात नहीं है, ओ तो एक पेज है। और वहीं पर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया केवल चार पाँच लाइन में लिख कर, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम रियल में देख सकते यहाँ से स्टार्टिंग है और देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये है, तो यहाँ तक है, फिर इस पेज में भी है डाइजेस्टिव सिस्टम लगभग छः पेज में और इतना छोटा छोटा राइटिंग में लिखे हुए हैं, तो देख ही सकते हैं कि कितना यह डिफरेंट है, मतलब ये सब हम लोगों को पढ़ना ही चाहिए, पार्ट टू में कम से कम तो पढ़ाई करेंगे ये उम्मीद है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है ये सब हमें समझना है, बाद बाकी तो बहुत आसान हो जाता है ये सब, अगर ये सब थोड़ा भी पढ़ते तो पढ़े ही होंगे बहुत। तो यहाँ पर रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में देख लिए, स्ट्रक्चर के बारे में समझ लिए, तो रिस्पायरेटरी ये बना सकते हैं डायग्राम परीक्षा में, कम से कम हर पिक्चर में दो तीन डायग्राम तो होना ही चाहिए। अब स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो स्केलेटल सिस्टम इसमें ऐसा होता है, तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं पिक्चर में, तो ये वाला स्केलेटल, ये जो स्केलेटल सिस्टम, ये जो दोनों रॉड निकला था ये बार्स इसको कहते हैं, द स्केलेटन ऑफ बलैनोग्लोसस कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग, तो इसमें अलग अलग तरीके के होते हैं, स्टोमो कॉर्ड होते हैं, प्रोबोसिस स्केलेटन, गिल्स बार और पाइगो कॉर्ड होते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम के बारे में ये सब लिख सकते हैं कि ये सब स्केलेटन सिस्टम में आता है, जैसा कि हम लोग बहुत सारा पार्ट होता है तो इसमें भी ये तीन चार पार्ट का नाम याद रखें, तो स्केलेटल सिस्टम के बारे में भी आप लिख लिए। तो अभी इंटरनल स्ट्रक्चर में तो हमने डाइजेस्टिव रिस्पायरेटरी स्केलेटल सिस्टम के बारे में, अब जानते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी बहुत बड़ा
टॉपिक है, तो इसको शॉर्ट तो लिख सकते सिंपल इसके बारे में कि सर्कुलेटरी सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स इसमें होता ही है, साइनसेस होता है, लैकुना होता है। देयर आर टू मेन वेसल्स, डॉर्सल वेसल्स एंड वेंट्रल वेसल्स। इसमें दो तरीके के वेसल्स होते, जैसा कि ये है तो एक इस साइड होता है ब्लड वेसल्स और एक इस साइड होता है, और इसमें बहुत तरह के साइनेसिस भी पाया जाता है जो कि ब्लड वेसल्स से निकलकर कहीं पहुंचाता है, जो ब्लड का काम होता है। आप पल्सेटाइल हार्ट, सेवरल कनेक्टिंग वेसल्स आर प्रजेंट। पल्सेटाइल हार्ट, जैसा कि हम लोग का दिल धड़कते रहता है उसी तरीका से इसमें भी पल्सेटाइल हार्ट प्रजेंट होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में 4-5 लाइन लिख सकते हैं। सर्कुलेशन के बाद जैसे हम लोगों के पार्ट भी आता है इम्पोर्टेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इसमें भी एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में ये सब लिख सकते हैं कि द डॉर्सल वेसल्स इंट्स एंटीरियरली इन टू अ डॉर्सल साइनस विच इज एसोसिएटेड विद अ प्लेक्सस कॉल्ड ग्लोमेरुलस, इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। तो ये नाम हम भी जानते हैं कि ये स्टार्टिंग पहली बार पढ़ेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल है कि कहाँ से कौन वेसल्स जा रहा है, फिर भी इस तरह का बात को आप आराम से देख भी सकते हैं यहाँ पर कि डॉर्सल वेसल्स इंट्स, जब डॉर्सल वेसल्स का इंट होता है डॉर्सल साइनस में तो वहीं से एक प्लेक्सेस होता है, उसी में वह मतलब उसी को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, और ग्लोमेरुलस का क्या वर्क होता है तो वो देख ही सकते हैं यहाँ पर। तो एसआई पार्ट में वो रहता है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं डॉर्सल वाला पार्ट, तो यहीं पर डॉर्सल ब्लड वेसल्स है और यहीं पर कहीं डॉर्सल निकलता है और ये एक तरीके से प्लेक्सस बना लेता है जो यहाँ पर ये वर्क करता है ग्लोमेरुलस का और ये एक्सक्रीशन में मदद करता है। तो वो लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो नर्वस सिस्टम्स यहाँ पर है कि इट हैज़ बोथ डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। डॉर्सल और वेंट्रल दोनों तरीका के नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, मतलब इसके आगे और पीछे दोनों साइड। इट इज़ इंट्राएपिडर्मल इन पोजीशन, यानी कि एपिडर्मिस के नीचे यहाँ पर पाया जाता है। एपिडर्मिस अगर ये लेयर हो गया तो यहीं पर इसका वो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, जैसा कि कॉलर कॉर्ड है तो इस तरीके से नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है इसके जस्ट इसी के नीचे। तो वो लिख ही सकते हैं आराम से। और फिर आगे यहाँ पर है कि देयर इज नो स्पेशल सेंस ऑर्गन इन ब्लोनोग्लोसस, यानी कि कोई खास नहीं यहाँ पर है, मतलब खास तरह के ऑर्गन नहीं पाया जाता है सेक्स, ये सेंस ऑर्गन के लिए। रिप्रोडक्शन के लिए भी वही बात है कि सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग होते हैं। द गोनेट्स आर प्रेजेंट इन द ब्रांकियोजेनाइटिकल रीजन ऑफ द बॉडी। रिप्रोडक्टिव यहाँ पर ऑर्गन ब्रांकियोजेनाइटिकल रीजन में पाया जाता है गोनेट्स ऑफ द बॉडी। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट यह होता है इसमें, यानी कि लार्वल स्टेज भी इसमें होता है। तो लिख सकते रिप्रोडक्शन में कि दो मेल और फीमेल अलग होते हैं, गोनेट्स जो होता है ब्रांकियोजेनाइटिकल रीजन में होता है, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट होता है। तो आसान है बहुत, तो इसके बारे में भी 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं। डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट टॉर्नेरिया लार्वा फॉर्म्ड, इट इज़ फ्री स्विमिंग लार्वा हैविंग क्लोज सिमिलरिटी विद द लार्वा ऑफ इकाइनोडर्माटा, इच एसिलिएटेड बैंड्स आई स्पॉट एपिकल प्लेट एंड यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है। तो टॉर्नेरिया लार्वा इकाइनोडर्माटा के जैसा दिखाई देता है, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये लार्वल स्टेज है टॉर्नेरिया लार्वा, थोड़ा थोड़ा इकाइनोडर्माटा के लार्वा के जैसा दिखाई देता है। तो ये सब टॉर्नेरिया लार्वा कैसे कैसे डेवलप होता है तो वही यहाँ पर बताया हुआ है, ब्लेनोग्लोसस का ये है। तो बस लिख सकते हैं डेवलपमेंट के बारे में कि कैसे कैसे होता है, और ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। क्लोज सिमिलरिटी किससे दिखाई देता है, तो इकाइनोडर्माटा से दिखाई देता है। इसमें सिलिएटेड बैंड देखे हैं, स्पॉट एपिकल प्लेट और ये सब पाया जाता है। अब बात करें तो एफिनिटीज़ के बारे में, तो एफिनिटीज़ बहुत ही आसान है, किस किस से यह मैच करता है। तो एफिनिटीज़ के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्लेनोग्लोसस बिलोंग्स टू द, तो यहाँ तक मैंने देख लिया, ये सभी पार्ट को मैंने जान लिया। अब एफिनिटीज़ हम जान लेते हैं, एफिनिटीज़ ये 4-5 के बारे में जानेंगे तो बस अब खत्म करेंगे। तो एफिनिटीज़, ब्लेनोग्लोसस बिलोंग्स टू द फाइलम हेमिकॉर्डाटा, इट इज़ मतलब कंट्रोवर्सियल ग्रुप ये होता है। विच वाज प्लेस्ड फर्स्ट एमोंग कॉर्डाटा, में पहले रखा गया था, फिर बाद में इसको नॉन कॉर्डाटा में अभी रखा हुआ है। दिस ग्रुप शोज
Many features similar to invertebrate chordate and other features close to some non-chordate groups like echinodermata. Hence, it is essential study of the affinity of hemichordata. तो इस तरीके से यहाँ पर affinity समझना हम लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये controversial topic है और ये कुछ chordata से मैच करते हैं, कुछ non-chordata से मैच करते हैं, तो ये सब आसानी से लिख सकते हैं affinities के topic देने के बाद ये सब। तो अब non-chordata में क्या affinity होता है, मतलब जैसे एफिनिटी विथ एनिलिडा, एनिलिडा से ये सब करेक्टर मैच करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अटेम्प्ट टू शो एफिनिटी बिटवीन टू ग्रुप्स, जैसे यहाँ पर है बोथ हैव वर्मी फॉर्म एंड सिलोमेट बॉडी, दोनों में वर्मी फॉर्म यानी कि कीड़ा के जैसा स्ट्रक्चर होता है और सिलोमेट बॉडी होता है, तो ये दोनों में होते हैं एफिनिटी, ऐसे लिख सकते हैं। फिर अरेंजमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स इज सिमिलर, ब्लड वेसल्स देखेंगे तो इसका दोनों का सिमिलर होता है ब्लड वेसल्स। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन चीज़ का है, तो ये अर्थवर्म का है ब्लड वेसल्स, और ये देख रहे हैं तो लगभग सिमिलर है, तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ, तो ये आसानी से हम लोग करेक्टर लिख सकते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। फिर नेक्स्ट है कि कॉलर ऑफ ब्लेनोग्लोसस इज कम्पेयर टू क्लाइटेलम ऑफ अर्थवर्म, यानी कि क्लाइटेलम जिसको कहते हैं, या हाँ क्लाइटेलम ही, तो अर्थवर्म के क्लाइटेलम जैसा स्ट्रक्चर इसमें इसको बताते हैं, मतलब कॉलर को दर्शाया जाता है कि यही इसका क्लाइटेलम होता है, तो बस क्लाइटेलम सिमिलर होता है। सिमिलरिटी बिटवीन ट्रोकोफोर एंड टॉर्नेरिया लार्वा में सिमिलरिटी होता है, तो ये एनिलिडा से कैरेक्टर मैंने मिला दिया। अब बात करें तो एफिनिटी विद फोरोनिडा, फोरोनिडा के यहाँ पर देख सकते हैं कैसा दिखाई देता है ये, तो ये जो देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है, तो ये अगर डायग्राम आपको पता रहेगा कि ऐसा ये फोरोनिडा होता है तो आप लिख सकते हैं। तो सिमिलर नेचर ऑफ एपिडर्मल नर्वस सिस्टम होता है, पेयर गैस्ट्रिक डाइवर्टिकुलम, यहाँ पर फोरोनिस प्रेजेंट होते हैं, बोथ हैव ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। तो इस तरीके से कम दो तीन कैरेक्टर सबसे लिख देंगे तो हो जाएगा। एफिनिटीज विद पोगोनोफोरा, पोगोनोफोरा का हम स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके का स्ट्रक्चर ये पोगोनोफोरा कहलाता है, देख सकते कैसा एनिमल्स है ये। अब इसी से लिख सकते हैं कि इंटेरोसिलस फॉर्मेशन ऑफ सिलोम होता है, बॉडी एंड सिलोम डिवाइडेड इंटू थ्री रीजन, इसका भी बॉडी सिलोम तीन रीजन में डिवाइड होता है बॉडी, और नर्वस सिस्टम इज इंट्रासेलुलर, इसका बॉडी भी मतलब एपिडर्मल सेल के नीचे होता है और उसका भी एपिडर्मल, तो ऐसे ही लिख सकते हैं। अब इकाइनोडर्माटा तो सब देखे होंगे, तो पावरली नर्वस सिस्टम एंड फॉर्म एपिडर्मल नर्व प्लेक्सेस, तो नर्व सिस्टम भी सिमिलर होता है, नर्वस सिस्टम इज अनडेवलप्ड, दोनों में ज़्यादा डेवलप नहीं रहता है, बोथ हैव कॉमन हैबिट एंड इकोलॉजिकल हैबिट, दोनों का वही होता है मेराइन होते हैं नीचे, एंड रिमार्केबल पावर ऑफ रीजनरेशन इसमें भी होता है, सर्व एज हाइड्रोलिक मैकेनिज्म, तो इतना आसान है। अब यहाँ पर है कि कॉर्डेट एफिनिटी, कॉर्डाटा से क्या क्या मैच करता है, तो बोथ हैव कॉर्डा प्रेजेंट होता है एज अ रट लाइक स्ट्रक्चर, बॉडी इज डिवाइजिबल इनटू थ्री रीजन, तीन रीजन में इसका भी बॉडी डिवाइड होता है, जैसा कि ये होते हैं हम जब पढ़ेंगे इकाइनोडर्माटा के बारे में तब देखेंगे हम ये सब। तो इस तरीके से लिख सकते हैं आप एग्जाम में। सो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।